पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में इन दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा सुर्खियों में हैं। सीबीआई जांच की आंच में घिरे इस जोड़े की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। रुजिरा पर विदेशी होने के आरोप लग रहे हैं, जबकि वो खुद को भारतीय नागरिक बताती है। रुजिरा के थाईलैंड से संबंध और अभिषेक से उनकी शादी को लेकर सुर्खियां बन रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। शादी से पहले रुजिरा का नाम रुजिरा नरूला था। अभिषेक से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई। दिल्ली के IIPM में अभिषेक बनर्जी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। रुजिरा से उनकी मुलाकात यहीं हुई। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कॉलेज से ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड जाने पर उनका रिश्ता और गहरा हो गया। फिर 24 फरवरी 2012 को दोनों ने शादी कर ली। इस दौरान बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। इस वजह से दिल्ली में होने वाले विवाह समारोह में वो शामिल नहीं हो सकी थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस शादी में शिरकत की थी। रुजिरा एक पंजाबी परिवार से आती हैं, जो दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके का रहने वाला है। रुजिरा के पिता दिल्ली के गफ्फार मार्केट में मोबाइल का कारोबार करते हैं। उनका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रियल एस्टेट का व्यापार भी है। रुजिरा के जन्म के बाद वो दिल्ली आ गए थे। शादी के बाद रुजिरा के साथ अभिषेक भी थाईलैंड स्थित अपने ससुराल गए थे। रुजिरा और अभिषेक के दो बच्चे भी हैं। अभिषेक की पत्नी रुजिरा पर थाईलैंड का नागरिक होने का आरोप लगता रहा है। गृह मंत्रालय ने इसी मामले में 29 मार्च 2019 को रुजिरा को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रुजिरा ने खुद को भारतीय नागरिक बताकर 14 नवंबर 2009 को पैन कार्ड का आवेदन किया था। इसके अलावा उनके PIO और OCI कार्ड के लिए आवेदन में पिता का नाम अलग अलग होने पर भी उनसे जवाब मांगा गया था। रुजिरा को लेकर विवाद सिर्फ इतना नहीं है। 15 मार्च 2019 को दमदम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुजिरा बैंकॉक से अपनी बहन मेनका के साथ पहुंची थी। दोनों के पास 7 बैग थे। इनमें से 2 बैग की तलाशी कस्टम विभाग लेना चाहता था। कस्टम को संदेह था कि रुजिरा थाईलैंड से अवैध ढंग से सोना लेकर आई है, लेकिन पुलिस ने कस्टम को तलाशी नहीं लेने दी। कस्टम ने इसे लेकर रुजिरा को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट भी गई थी। अभी इस मामले की जांच जारी है।